लिटरली स्कूल इतना प्यारा। ये देखो भाई, मतलब ऐसे स्कूल में कोई क्यों नहीं आना चाहेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रैफिटीज बनी हुई हैं, एंड ये स्कूल के सामने ही, डेल्टा स्कूल के सामने ही कैफेज है। यहाँ मेरे सामने इसका कोस्टल गार्ड्स का हेडक्वार्टर है, तो काफ़ी प्यारा, मतलब बहुत अच्छा इसकी एंट्रेंस बहुत प्यारी लग रही है। काफ़ी ऐसे मतलब प्राउड वाली फीलिंग आ रही है ऐसे देख के, पता नहीं क्यों, तो लेकिन काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी ये देख के फिर इस तरफ चलते हैं, बैक साइड में यहीं पे ही सारा कुछ है, मेरा हॉस्टल भी इसी साइड है। आज आप गेस करो मैं कहाँ पे हूँ। ये मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूँ, चाइनीज फिशिंग टेक्निक हो रही है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, मैं हूँ कोची में। तो मैं आ गया था कल रात को, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी ट्रेन है एर्नाकुलम की, तो एलपी से एक स्टेशन पहले ही है। तो मैं लेकिन वर्कला से आया, तो वर्कला से मुझे 5 घंटे लगे। तो आप कोई भी, वहाँ से ट्रेन चलती रहती है, मेरी 12:30 की ट्रेन थी रात की, तो आप देख सकते हो मतलब दिन में 3-4 है, बिकॉज वर्कला पे काफ़ी ट्रेन हैं जो रुकती हैं, और ये वाला स्टेशन भी है एर्नाकुलम, यहाँ भी रुकती है। एर्नाकुलम के 2 स्टेशन हैं, एक एर्नाकुलम जंक्शन है और एक एर्नाकुलम टाउन है। तो आप कहीं भी उतर सकते हो, और वहाँ से आप फेरी ले लेना, और फेरी ले कर आप या फोर्ट कोची आ जाना। यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, तो मैं गो स्टॉप पर रुका हूँ आज। तो अच्छा हॉस्टल है, मतलब मुझे 400 रुपये में पड़ा है वो, तो सही है, मतलब अच्छी डील है। वहाँ पे जो आया हुआ है क्राउड वो भी अच्छा है, और वैसे भी अच्छा है, मतलब एस्थेटिक काफ़ी सही है उसका। और यहाँ पे मैं, अगर आप में से कोई कभी पौंडीचेरी गया है या इटली गया है, तो जो फ्रेंच कॉलोनीज होती हैं कलरफुल एकदम प्यारी सी, तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का, उस तरीके की वाइब है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हैं 3-4 स्ट्रीट्स ही हैं, लेकिन बहुत प्यारी है मतलब, और इतने प्यारे आर्ट कैफेज हैं ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी अभी तो ये मेरे पीछे जो है ये चाइनीज़ फिशिंग टेक्निक है, ये बहुत फेमस है यहाँ की। तो यहाँ पे एक साथ ही पूरा, मतलब इसमें क्या रहता है, जो फिश नेट है वो आगे 4 बैम्बू से बांध रखा होता है, एंड पीछे पत्थर का वेट होता है, तो ये लोग उसको पानी में डाल देते हैं, और जब हर 5 मिनट या 10 मिनट बाद ये उस नेट को वापस ऊपर उठाते हैं, और जो फिशेज आती है वो यहीं पे ये लोग सेल कर देते हैं लोकली। तो ऐसा है, और काफ़ी मतलब अलग है। मैं अभी गोवा में और यहाँ वर्कला और एलपी में था, वहाँ ये वाली टेक्निक कहीं नहीं थी, ये बस यहीं पर ही है। तो ऐसा कुछ है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारी शिप्स क्रूज बहुत दिख रही है। मैं अभी तक तो केरला में कहीं नहीं देखी, तो यहाँ पे आई गेस कोस्टल एरिया है इसीलिए। और एवरग्रीन जो चाइना की शिप्स आती हैं वो वाली भी मुझे अभी दिखी यहाँ पे। कि अभी मैं आपको चाइनीज़ फिशिंग टेक्निक दिखाता हूँ, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी है और सही है। ये ऐसा कुछ रहता है, तो ये जो बैम्बू स्टिक्स लगी हुई हैं 1, 2, 3, 4, तो इस पर नेट है, वो नेट इस पर बांध रखा है, और ये ऐसे करके ये वेट है जिससे इसको बैलेंस किया हुआ है। तो 5 मिनट होते ही ये उस नेट को ऊपर कर लेते हैं, और जो भी मछलियां आती हैं उसको फिर निकाल के और साइड में सेपरेट कर लेते हैं, कि प्रॉन्स कौन से हैं, जो फिशेस के नाम के हिसाब से, तो वैसे सेपरेट कर लेते हैं। और एक और चीज़, जो एर्नाकुलम से आप आओगे अगर, तो आप गवर्नमेंट फेरी ले लो, और बस 6 रुपये की टिकट है, एंड बहुत लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत साफ़ सुथरी भी है। तो और आप जब रेलवे स्टेशन उतरोगे, तो वहाँ से आपको 40 रुपीज़ का ऑटो है, वो आई गेस फिक्स रेट ही है, तो वो आपको जेट्टी छोड़ देगा, एर्नाकुलम जेट्टी। जेट्टी जो होता है वो इज़ अ स्टैंड, जैसे बस स्टैंड बोलते हैं हम, तो वो जो इसका बोट का स्टैंड रहते हैं, फेरी का स्टैंड रहते हैं, उसको जेट्टी बोलते हैं। तो ऐसा है कुछ। तो और ये गवर्नमेंट फेरी है,
कोची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये देख सकते हो, ये फोर्ट कोची से वाइपेन तक जाती है, इस पर लिखा हुआ है। और वो सामने जो है वो डॉकयार्ड है, तो आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो कंटेनर्स हैं। और गाइज हाँ, ये वापस से देखो, ये नेट अब ऊपर आ रहा है। इन्होंने 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ वाला भी आ रहा है और ये भी है, और ऐसे लाइन से आगे 4-5 है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे तो ये शिप बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है, बहुत सही। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये जो ये रिफ्लेक्शन आ रही है, छोटी छोटी मछलियां हैं। तो ये अभी ऊपर ये करेंगे, और इस बार कोई मछली निकली नहीं, तो इसीलिए ये लोग फिर से इसको अंदर डाल रहे हैं वापस से। तो गाइस ये जो है, ये अभी इन्होंने पकड़ी है। से अब हम आ गए हैं चाइनीज फिशिंग से, और यहाँ मैं चल रहा था तो इस स्ट्रीट पे ये ऐसी कोई मार्केट लगी हुई है मेरे पीछे, देखो आप। और यहाँ गोरे बहुत दिख रहे हैं भाई, जो भी कहो, सारे स्पेन और फ्रांस उस साइड के ही हैं। सही है कि कुछ फुटवेयर मिल रहे हैं यहाँ पे, और चल रहा हूँ अभी तो मैं, क्योंकि आगे आई गेस कोई फेमस पार्क है, तो मुझे बोला है उन्होंने कि आप घूम के आओ वहाँ भी, तो मैंने कहा चलते हैं। बाकी यहाँ पे एक ओपन थिएटर बन रहा है, ओपन एयर थिएटर बन ही रहा है अभी तो, और कुछ ऐसा है। अब आगे है वास्को डी गामा स्क्वायर, तो वहाँ चलते हैं, देखते क्या है। धूप बहुत हो रही है, लेकिन गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम मतलब तेज धूप है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने देखे नारियल दो कलर के है, एक रेड ऑरेंज कलर का है और एक नॉर्मल अपना ग्रीन कलर का है। पता नहीं, देखते हैं, वो भी पता करते हैं। अभी तो मैंने कहा थोड़ा घूम लेते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और स्कूल की छुट्टी हुई है, लगता है स्कूल के ही बच्चे दिख रहे हैं, या तो या फिर यहाँ पिकनिक आए होंगे।
ओनली फोटो, ओनली फोटो। ये लॉबस्टर है दोस्तों, गाइस मैं यहाँ पे भुट्टा खा रहा था और मुझे लगता है ये जो कौआ है ये सी फूड खा के थक गया है, मेरे पास आ गया, मेरे को भुट्टा मांग रहा है। ले ले भाई, ले 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 भाई, अभी आया मैं ये लेके बैठा हूँ तो अभी आया उड़ते हुए कहीं से और मेरे एकदम बराबर में आ गया। मैंने कहा भाई चोंच वोंच ना मार दे तो ये खा ले भाई वेज। लेना मुझे लगता है ये कैमरा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसे वीडियो पे नहीं करेगा कुछ कैमरा शाय होगा ये मे बी। तो गाइस ये मुझे ट्रिक पता चल गई है ये कैसे खा रहा है, इसको ऐसे ऐसे डालना पड़ रहा है। तो ये भी भाई साहब बड़े पैम्पर्ड किड लग रहा है, इनको भी ऐसे ओ कैच। ओ भाई कैच बड़ी अच्छी कर रहा है, जबकि इसमें मसाला लगा हुआ है भुट्टे में, मसाले वाला भुट्टा ही खा रहा है ये भी। ओ भाई सीधा कैच कर रहा है। अब देखो इसको थोड़ी साइड में देता हूँ। अरे कहाँ भर गया क्या पेट, लगता पेट भर गया उसका, अब जाएगा ये वापस। और दोस्तों यहाँ पे ना हिंदी आती है लोगों को, तो अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पे सभी को ही हिंदी आती है, मतलब 99% लोगों को। और ये कुछ आई गेस ये कोई पुराने ज़माने में शिप को सिग्नल देने के लिए होगा, आयरन पिलर्स। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ आगे जाके फोटोज खिंचवा सकते हो। उधर भी है एक इसी का ही पार्ट, एक वहाँ पे है एक इस तरफ है। और यहाँ पे अब शिप आ रही है तो इस वजह से वेव्स देखो, यहाँ थोड़ा पानी की वेव्स ज्यादा है और यहाँ लाइफ गार्ड भी है ताकि लोग आगे तक ना जाए। और ये दोस्तों इस रास्ते से आगे आके अब यहाँ पे बीच पे आ गए हम। तो इस बीच का नाम पता करता हूँ मैं, मुझे कंफर्म नहीं है, देखते हैं। बाकी सही है, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं एक दो जो दिख रहे हैं मेरे को, शाम को आऊँगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों खाने के प्राइसेस वैसे नॉमिनल से ही है, तो एक टाइम का मील 100-150 में अगर आप बेसिक मील कर रहे हो तो हो जाता है। और ये देखो यहाँ पे, और यहाँ ये गोरे बड़े ज़्यादा बहुत घूमते हैं यहाँ पे। और ये फिश स्पा है, तो वो जो पानी में पैर डाल देते हैं और फिशेज आपका आप डेड स्किन जो है वो सारा खा लेती हैं, तो वो वाला है। अगर ये करवाना है ये करवा भी सकते हो, गोवा में भी था ये। बाकी यहाँ कैफेज हैं, और अगर आप मतलब एक टाइम अगर जा रहे हो तो आपको
250-300 रुपए में कैफे में आराम से आपका हो जाएगा, मतलब एक खाने की चीज़ आ जाएगी और साथ में कोई ड्रिंक ले सकते हो आप, तो ऐसा है। और बाकी मुझे लगा था ये बीच है, सॉरी गाइस, तो बीच नहीं है ये, दूर से मुझे लगा था ये कि बीच होगा, लेकिन ऐसा कुछ है। ये जैसे वहाँ पे वर्कला में आपको क्लिफ दिखाई थी मैंने, तो उस टाइप का एरिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये विलाज बने हुए हैं, तो अगर आप आओ, आपका अच्छा बजट हो, तो आप यहाँ रह सकते हो, क्योंकि आई गेस 4-5 हज़ार तो इसका हो गई एक पर डे का, तो ऐसा कुछ है। और ये अभी आगे सीन दिख रहा है पूरा, जो अभी दिखाया था वो है बीच ही एक्चुअली, मतलब पूरा बीच का ही पार्ट है। तो महात्मा गांधी बीच है जो मुझे बताया है इस भाई ने। आइसक्रीम लिया मैंने अभी, तो आइसक्रीम वाले भाई से पूछा मैंने, मैंने कहा भाई नाम बता दे, मेरे को बताना है और ख़ुद को भी पता हो कि कहाँ आया, अब ऐसे घूमे जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मतलब बैठ सकते हो आप बैठना हो तो, काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा है। थोड़ी धूप है, मैं छाँव में खड़े होकर ज़रा आइसक्रीम खा लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं वापस। और बाइसिकल रेंट करता हूँ मैं, उसका भी बताऊंगा, काफ़ी सही रेट है उसका भी, बताता हूँ आपको आगे। आ चुके हैं, अब शाम के बज रहे हैं 4:30-5 बजने वाले हैं, तो सो गया था मैं जाके, मैं थका हुआ था क्योंकि कल मेरी ढंग से नींद पूरी हुई नहीं थी, तो 1-1.5 घंटे सो गया था। अब मैं आया हूँ फिर से बाहर, और अब जूस पिया है अभी तो, खैर मैंने यहाँ पाइनएप्पल बहुत मिलते हैं, तो पाइनएप्पल जूस तो मतलब ऐसे मेरा फेवरेट हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रीट है जो मैं आपको सुबह भी बता रहा था, जो थोड़ा इटालियन कह लूँ, सॉरी पोर्चुगीज कल्चर की तरह रखती है, फ्रेंच कॉलोनीज़ की तरह, तो वहाँ पे चलते हैं अभी। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बीच है, दो बीच है यहाँ पे, एक तो महात्मा गांधी बीच है और दूसरा जो है आपका वो कोची बीच है। तो महात्मा गांधी बीच तो मैंने आपको दिखा दिया था, वो जो बीच जैसा लग रहा था, लेकिन वो बीच था नहीं, जो चाइनीज फिशिंग नेट्स के बाद हमने देखा था, और उसी साइड है ये भी, तो अभी वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे एक दो म्यूज़ियम भी हैं, तो म्यूज़ियम भी देखते हैं आप, अभी आई गेस 5 बज रहे हैं तो खुला ही होगा, तो चलते हैं फिर जल्दी, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही है यहाँ पे पूरा। पहले मैंने सोचा था साइकिल रेंट करूँगा, लेकिन उसकी मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो और साइकिल का भी मैं आपको बता रहा था, तो माई बाइक करके एक ऐप है MYBYK, तो आप वो डाउनलोड कर लो और उससे आप सीधा यहाँ से साइकिल ले सकते हो। 20 रुपीज़ है 10 आवर्स के लिए, 10 घंटे के लिए 20 रुपये, और अगर उसके बाद आप एक्सटेंड भी करना चाहते हो तो 2 रुपये पर आवर का है, हाँ, तो काफ़ी सही है मतलब। और साइकिल भी ऐसी नहीं है कि कोई बेकार देंगे या कुछ, अच्छी खासी साइकिल्स देते हैं, पूरा लगेज रखने की भी उसमें बास्केट रहती है, तो आप वो देख सकते हो। और अदरवाइज़ अगर उस ऐप से नहीं मिल रही तो यहाँ पे लोकली भी 50-60 रुपये में दे देते हैं फॉर 6 या 7 आवर्स, तो वो आप वैसे भी ले सकते हो। और तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। स्कूटी लेकिन मैंने पता नहीं करी, आएगा स्कूटी 500 की ही होगी, क्योंकि वही यहाँ पे केरला में बेसिक रेट चल रहा है उसका। बाकी यहाँ मेरे सामने इसका कोस्टल गार्ड्स का हेडक्वार्टर्स है, तो काफ़ी प्यारा मतलब बहुत अच्छा इसकी एंट्रेंस बहुत प्यारी लग रही है, काफ़ी ऐसे मतलब प्राउड वाली फीलिंग आ रही है इसे देख के, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी ये देख के फिर इस तरफ चलते हैं, बैक साइड में यहीं पर ही सारा कुछ है, मेरा हॉस्टल भी इसी साइड है। यहाँ पर जो है यहाँ पर गो स्टॉप्स और वो सारे हॉस्टल्स हैं। मैं रुका हूँ आज सेंटा मारिया करके है, क्योंकि गोस्ट ऑफ में कोई चेक इन इशू हो रहा था, मैंने बुक वही किया था, और गोस्ट ऑफ में कुछ चेक इन इशू हो रहा था, मैंने मिक्स डॉम के लिए बुक किया, लेकिन उस पर उनके सिस्टम पे कुछ और शो कर रहा था, एरर शो आ रहा था, तो फिर उसने मेरी बुकिंग आज की जगह कल की कर दी, तो क्योंकि एनीवेज मेरे को कल तो रुकना ही था यहाँ पे, एक दिन में मैं नहीं घूम पाता, तो उसने मेरी बुकिंग शिफ्ट कर दी है, एक बार उससे कन्फर्मेशन भी करना है, तो वैसे तो सही था। तो फिर सुबह फिर मैं आया था, तो सुबह जनरली यहाँ का चेक इन टाइम जो है 12:30-1 बजे है, तो अगर आप आओ ना तो एक वो चीज़ देख लेना। तो गाइस ये है कोस्टल गार्ड्स का हेडक्वार्टर, और हम लोग इधर जा रहे हैं,
तो गाइज ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे ये जेल है, जेल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फोर्ट कोची। तो मैंने ये पता किया तो ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी पुरानी है, मतलब ये नहीं मैंने पूछा कि इसमें कोई कैदी है या नहीं है, बट हाँ ये कुछ ऐसी है। और अंदर आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर जेल है, तो आई गेस ये काफ़ी पुराने टाइम से है। और ऐसा कुछ कलरफुल इसकी एंट्रेंस है, और ये दोस्तों ये सुबह मैं आया था यहाँ पे तो मेरे को लगा ये कोई कैफ़े है, लेकिन लिटरली जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो मैंने कहा द डेल्टा स्टडी। तो फिर आगे मैं थोड़ा सा आगे गया और मैंने देखा बोर्ड है, स्कूल का बोर्ड। भाई लिटरली स्कूल इतना प्यारा, ये देखो भाई, मतलब ऐसे स्कूल में कोई क्यों नहीं आना चाहेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफिटीज बनी हुई हैं, एंड ये स्कूल के सामने ही, डेल्टा स्कूल के सामने ही कैफेज है। पहले मैंने पढ़ा ही है, मेरे को लगा मैंने कहा बर्गर की स्पेलिंग गलत क्यों लिख दिया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ थोड़े से आर्ट कैफेज है, बहुत लिटरली बहुत प्यारी है, मतलब दिल जीत लिया इस जगह ने मेरा। तो गाइज़ अब मैं वापस चला गया था दोपहर के बाद अपने हॉस्टल। अब जो है रात हो रही है, 7 बजने वाले हैं। तो अभी मैं यहीं आया था वापस से, ये जो महात्मा गांधी बीच का आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है पूरा ही, लाइटिंग काफ़ी सही लाइटिंग हो रखी है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कैफेज हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं उस तरफ क्या है। और यहाँ पे वो फिश स्पा जो आपको बताया था मैंने, वो भी हो रहा है।
अभी जो मैं जा रहा हूँ ये मैं जा रहा हूँ कोची बीच पे, जो वो पहले दिखाया था वो महात्मा गांधी बीच था, तो अब ये कोची बीच है, उससे थोड़ा सा ही आ गया, मतलब वॉकिंग का है तो 5-7 मिनट आप वॉक करोगे तो आप आगे आ जाएगा। और कुछ इस तरीके का रास्ता है, यहाँ पे रोड्स ये इन ईंटों की बनी हुई है, तो मतलब थोड़ा सा ना ये ऐसे प्रीमियम वाली फील देता है, तो सही है, मतलब वो मैच करता है यहाँ की वाइब को। और यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पार्किंग है और सारी, और आगे आएगा सारा जो है वो बीच होगा, और इस जगह का नाम है डच सेमेट्री रोड। तो जब डच लोग यहाँ आए होंगे तो रूल करते थे जब ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम का होगा सारा डेवलपमेंट। और यही है बीच वैसे तो, ये कुछ छोटा सा बीच है कोची बीच। तो यहाँ मैंने देखा है केरला में बीचेस जो है बस मेरे को वर्कला में ही थोड़े ठीक ठाक दिखे थे, अदरवाइज तो सारे ही मैनेज कोई नहीं करता, तो ऐसे ही सारे थोड़े से मतलब एवरेज कहूँगा मैं, एवरेज है, तो ऐसा कुछ है, मतलब नेचुरली ही वो खुद से ही साफ हो जाते हैं, खुद से ही सब कुछ, तो वो उनको कोई अलग से साफ नहीं करता।